गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड ऑल्सो यू आर एंजॉइंग आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑल आइट सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम दैट इज टॉपसी टर्वी लैंड ओके तो नाम से परेशान नहीं होना है बहुत ही मजेदार पोयम है और बहुत ही फनी पोएम है आपके मेरी गोल्ड का यूनिट नंबर सेवन से लिया गया है इसको एक बार हम प्रोनाउंस करते हैं साथ में मेरे साथ बोलिए टॉपसी गुड टर्वी गुड एंड लैंड वेरी गुड ये जो वर्ड है टॉपसी टर्वी इसका मतलब होता क्या है उसको समझाने के लिए ना अगर आपके आसपास कोई भी ग्लास है ना उसको लीजिए ग्लास जनरली कैसे रखते हैं हम लोग उसका मुंह ओपन रहता है ऊपर की तरफ और जो बॉटम होता है नीचे रहता है अगर हम उसको उल्टा कर दें जैसे नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाए और ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला जाए और नीचे वाला ऊपर चला जाए तो इसी को बोलेंगे हम लोग अपसाइड डाउन कि मतलब ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया उसी को हम एक तरीके से बोलते हैं टॉपसी टर्वी तो क्लियर हुआ ना टॉपसी टर्वी का मतलब क्या है उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं जो नीचे है ऊपर चला जाए और जो ऊपर है वो नीचे चला जाए तो इस पोएम का टाइटल है टॉप लैंड कि ये एक ऐसी जमीन है एक ऐसे जगह है कह सकते हैं जहां पे हर काम उल्टा होता है जैसे अगर हमारे यहाँ दिन होता है तो उधर रात होता है हम खाना दाएं हाथ से खाते हैं वो लोग बाएं हाथ से खाते हैं हम लोग बिस्सा पर सोते हैं तो वो लो लोग कहीं और सोते हैं तो इसी तरीके का जगह है उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत मज़ा आने वाला है स्टार्ट करते हैं ओके बेटा चलिए आपके हाथ में बुक होना चाहिए ठीक है चलिए हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड क्या कभी आपने अपना स्कूल बैग स्कूल स्कूल बैग अपने बेड पर फेंका है आई थिंक सब किया होगा सब कोई करता है लेकिन दिस इज नॉट अ गुड हैबिट कि अगर आप स्कूल से आते हैं तो आपको स्कूल बैग एक प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए ठीक है चलिए हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर क्या कभी आपने अपना जूता और मोजा इधर उधर फेंका है इधर उधर रखा है सबने किया होगा अगेन नहीं करना चाहिए इट्स अ वेरी बैड हैबिट हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम ये तो ऑलमोस्ट सबने किया होगा कि क्या आपने अपने रूम में बॉल के साथ खेला है नहीं खेलना चाहिए सबने खेला हुआ इससे क्या हो सकता है न जो भी रूम के अंदर जो सामान है ना वो सब टूट टूट सकता है ठीक है ना तो खेलने का जगह बाहर है ठीक है तो बाहर जा खेलिए घर के अंदर में क्लियर है ये आपने किया होगा सबने डज़ योर रूम समाइम लुक लाइक दिस क्या कभी आपका रूम इस तरीके से दिखता होगा किस तरीके से इस ये जो फोटो है देख रहे हैं जो चेयर है उल्टा है जूता इधर फेंका हुआ है मोजा इधर फेंका हुआ है बुक्स उल्टी फेंकी हुई है ये सब देख रहे हैं बैग इधर रखा हुआ है बैट इधर है उल्टा फुलटा सब रखा हुआ है आई थिंक आपने कभी ना कभी इस तरीके से गंदगी फैलाई होगी और आज भी फैलाते होंगे जिसकी वजह से आपको मम्मी की डांट तो मिलती होगी अब कभी कभी थप्पड़ भी पड़ते होंगे है कि नहीं चलिए तो ये सब नहीं करना है पापा मम्मी की बात बड़े ध्यान से सुनना है उसको फॉलो करना है क्लियर है ना चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ रीड अबाउट वन सर्च अपसाइड डाउन लैंड तो उसी से मिलता जुलता जिस तरीके से आपने अपना रूम बनाया है उसी तरीके से मिलता जुलता एक लैंड है एक जगह है अपसाइड डाउन जहां पे हर काम उल्टा होता है उसको पढ़ते हैं और जानते हैं द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स द सी इज मेड ऑफ सेंट द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाई नाइट इन टॉप सी टर्फी लैंड देखिए क्या कह रहा है कि जो वहां के लोग हैं जो पीपल है ना वो वॉक करते हैं टहलते हैं किस वे अपने सर पे देखना कितनी मजेदार बात है हम लोग अपने लैंड पे कैसे चलते हैं कैसे टहलते हैं बाई यूजिंग आवर फीट हम लोग अपना पैर का यूज करके टहलते हैं या चलते हैं या दौड़ते हैं लेकिन ये लोग इस लैंड पे उल्टा सीधा लैंड पे ये लोग अपने सर के बल चलते हैं द सी इज मेड ऑफ सैंड और जो उनका समुद्र होता है वो बालू से बना हुआ होता है सोचिए और हमारा समुद्र वेरी गुड पानी से बना हुआ होता है द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट और वहाँ के जो बच्चे हैं वो रात में पढ़ने जाते हैं जबकि हमारे यहाँ के बच्चे क्या है दिन में पढ़ने जाते हैं इन टॉप सीटर ठीक है ना देख आप तो आपने देखा क्या देखा कि वहाँ के जो सिस्टम है जो कल्चर है हमारे यहाँ के सीधे ऑपोजिट है क्लियर है ना चलिए द फ्रंट डोर स्टेप इज एट बैक यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड यू वियर योर हैट अपोन यूर फीट इन टॉपसी टर्बी लैंड जो फ्रंट डोर होता है किसी भी घर का वो कहाँ है बैक में पीछे में से हमारे घर का क्या होता है जो फ्रंट डोर होता है ना वहीं से लोग आते जाते हैं तो सबसे आगे होता है लेकिन टॉपसी टर्बी लैंड में क्या होता है वो सबसे पीछे होता है यू आर वॉकिंग वन यू स्टैंड और जब वहां जब वहाँ पर आप खड़े रहते हैं ना तब लोग कहते हैं कि आप ढल रहे हैं जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है आप जब खड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि आप खड़े हैं और जब आप टहलते हैं तो लोग कहते हैं कि यू आर वॉकिंग यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्बी लाइन और टॉपसी टर्बी लाइन में क्या होता है आपका जो हैट होता है ना वो आप पैरों पे पहनते हैं सोचिए कितना फंडी जगह है और हम लोग कहाँ पहनते हैं अपने सर पे जैसा फोटो में देख सकते हैं ये देखिए इस महाशय को देखिए ये उल्टा चल रहे हैं और इनका जो हैट है ना पैर के ऊपर कितना फनी जगह है है कि नहीं चलिए एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड जो बसेस होती है ना अब देखो वहां पर समुद्र में क्या चलता है तो बसेस चलता है वहां समुद्र किसका होता है रेत का होता है ना तो उस पर बस चलता है वाइल प्लेजर बोट्स का प्लान और जो प्लेजर बोट्स होता है जो नाव होता है ना जिस पर हम बैठ के एन्जॉय करते हैं प्लेजर मतलब एन्जॉय करते हैं उनको प्लान किया जाता है रोड पर चलने के लिए जो बोट्स होते हैं किस पे चलते हैं सड़क पर चलते हैं और हमारे यहाँ बोट्स किस पे चलते हैं पानी पे चलते हैं तो ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट सी ट्री रेंट तो क्या देखा आपने कि जो समुन्द्र में एक्चुअली वहाँ का समुन्द्र कैसा होता है रेत का होता है तो उस पर क्या चलता है बस चलता है और वहाँ के रोड पे बोट्स चलते हैं नाव चलते हैं ये देखिए जो बच्चा है ना स्कूल बोट जा रहा है और यहाँ पे सड़क है सड़क पे किससे जा रहा है बोट से जा रहा है क्यों क्योंकि ये टॉप सी टर्बी लैंड है उल्टा पुल्टा लैंड है यू पे फॉर वॉट यू नेबर गेट आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांट फॉर वैन यू आर कमिंग बैक इन टॉप सी टर्बी लैंड कह रहा है कि यू पे आप पे करते हैं वाट यू नेवर गेट कि आपने जो भी नहीं लिया है उसके लिए भी पे करते हैं जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है आप किसी दुकान पर जाते हैं कोई कॉपी खरीदते हैं तो आपको कॉपी मिलता है तो उसके बदले में आप उसको कुछ रुपए पे करते हैं लेकिन टॉपसी टर्बील में आप कुछ भी नहीं कर देंगे फिर भी आपको पे करना होगा आई थिंक इस इट मस्ट बी ग्रैंड और ये बहुत ही मतलब बड़ा होगा बहुत ही इन्जॉयफुल होगा फोर वेन बिकॉज वैन यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड वेन यू गो यू आर कमिंग बैक लेकिन क्या होगा कि इतना मज़ा होगा ना कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आप वो वापस आ रहे हैं समझ गए आप जब आएंगे तो लोग कहेंगे जा रहे हैं और जब जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आ रहे हैं कहाँ पे होता है इन टॉपसी टर्वी लैंड उल्टा पुल्टा लैंड में ये काम होता है तो आप इस जगह को देखिए रियल नहीं मानना एक एक क्या एक इमेजनेरी जगह है ठीक है ना जहाँ पर लोग ऐसा करते हैं ठीक है तो आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है आपको उल्टा नहीं चलना है बैग नहीं रूम में फेंकना है जूते नहीं फेंकने हैं इधर का सामान उधर नहीं करना है आपको अपने तरीके से अच्छे एक वेल स्ट्रक्चर वेल कैरेक्टर बॉय की तरह जीना है पापा मम्मी की बात सुननी है क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं होता है क्लियर है बेटा चलिए तो आज के लिए इतना ही है और एक चीज़ और इसका जो मीनिंग है ना इसको आपको नोट करना है अच्छा सर इसके अलावा और भी कोई जो मीनिंग आपके इस चैप्टर में रह गया है जिसको आपको समझ में नहीं आता है तो आपको डिक्शनरी में देखिए यू हैव टू लुक इन डिक्शनरी एंड राइट द वर्ड्स इन योर वर्ड्स ओके इसका जो रीडिंग एज फन है ये भी इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है और इसका जो होमवर्क है मुझे सेंड करना है क्लियर है ना इसी ऐप पे क्लियर है यस सर व्हेन आई से क्लियर यू हैव टू से क्रिस्टल ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर